नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी में के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी कांस्टेबल की 52,000 पदों पर, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चे अभी ये भी नहीं जान रहे हैं कि जो फ्रेशर हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, क्या एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कि नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक आपको बता दूं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका एजुकेशन कितना चाहिए। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं कि एमए बीए करके आओ, अगर आप 10+2 पास हो, मतलब 12वीं पास हो, तो आप इस 52,000 वैकेंसी का हिस्सा बन सकते हैं, एक वर्दी आप ले सकते हैं, और जो आपके कहीं ना कहीं उस बेरोजगारी का जो एक तरह से बोला जाए धब्बा है वो हटाया जा सकता है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी वैकेंसियां हुई हैं कांस्टेबल में। अब ये इतिहास में अगर कांस्टेबल की यूपी पुलिस की बात करें, सबसे बड़ी वैकेंसी होगी जहां 52,000 पदों पर भर्ती होगी। बाकी एज रिलैक्सेशन के लिए भी यहां पर कहीं ना कहीं जो एक तरह से एक ट्यूटर अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे। 25 तारीख को ट्विटर अभियान है, उसका हैशटैग भी बता दिया जाएगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको बता दी जाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो पहली बात करें, अगर आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, आपकी शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, सैलरी भी बताएंगे। ऐसे नहीं है कि सैलरी आपकी अच्छी नहीं है, कि सिर्फ 10+2 के बेसिस पे है तो सैलरी अच्छी नहीं होगी, सैलरी भी आपकी ठीक ठाक है, सैलरी पर लास्ट में हम बात करेंगे। एजुकेशन आपका क्या चाहिए, कि सिर्फ आप 12वीं पास हो या 12वीं के समकक्ष को या अर्हता रखते हो, तो अगर वो आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, कांस्टेबल बनने के लिए आपको बहुत बड़ा PhD करने की जरूरत नहीं है, आप 10+2 अगर पास हैं तो आप कांस्टेबल बन सकते हैं। अब इसमें आता है एक एज का लिमिट, तो कौन कौन भर सकता है, कितने एज वाले भर सकते हैं। तो जो आप लोग 18 साल से लेकर 22 साल तक होते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, और फीमेल को छूट दिया जाता है जनरल के 18 से 25। और जो ओबीसी एससी एसटी हैं इनके लिए एज रिलैक्सेशन है, ये 18 से 27 साल तक लोग भर सकते हैं, और फीमेल 18 से 30 साल तक भर सकती हैं ओबीसी एससी एसटी की। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, तो कोरोना के बाद से ये पहली सिपाही भर्ती और बहुत बड़ी भर्ती है एक तरह से बात किया जाए तो। सेंट्रल की जितनी भी भर्तियां हुई हैं कोरोना के बाद, जो बड़ी भर्तियां हुई हैं खासकर जीडी देख लिया जाए इन सब चीजों में, उनमें सीआईएसएफ वाला भी देख लिया जाए, तो इन सब में कहीं ना कहीं आपको क्या मिला है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो चांसेस यही है कि गवर्नमेंट आपको 1 साल या 1.5 साल का जो भी रिलैक्सेशन है दे, लेकिन 100% मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसके लिए आपके बच्चों ने कुछ मैसेज किया है कि सर हर जगह ट्विटर अभियान चलाया जा रहा, आप भी एक वीडियो बना के डाल दीजिएगा, तो मैं एक अलग से सेपरेट वो वीडियो बना दूंगा कि उसका हैशटैग क्या है, 25 तारीख को है, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूं, बाकी हैशटैग आपको मैं बता दूंगा। ठीक, वही है यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन, यही हैशटैग है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी एसटी के लिए तो मैंने एज आपको बता ही दिया, तो एज अगर ये है आपका, अभी रिलैक्सेशन के बारे में कुछ भी नहीं हम कह सकते हैं कि 100% आपको मिले ही, लेकिन कोरोना के बाद हर भर्तियों में जो बड़ी भर्ती आई हैं उसमें हमें रिलैक्सेशन देखने को मिला है। और हाइट सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपकी हाइट नहीं छोटी है तब आप दिक्कत में आ सकते हो, लेकिन हाइट आपका परफेक्ट है और 10+2 आप पास कर चुके हो और 18 से 22 के एज में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि एक वर्दी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको आपका सपना है कि हमें वर्दी में रहना है, वर्दी वाली जॉब करनी है, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है ये, ठीक है। ये 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए मात्र 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। एसटी के लिए खासकर छूट है, ये हाइट आपका जनरल ओबीसी और एससी सबके लिए सेम है, सिर्फ एसटी की जो हाइट है वो 160 है और एसटी में फीमेल की जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। चेस्ट की बात करें तो आपका बिना फुलाए मेल कैंडिडेट में चेस्ट जो होगा वो जनरल ओबीसी और एसटी की, एससी का 79 होना चाहिए और फुलाने का 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, जरूरी होता है 84 होना चाहिए, ठीक है। और एसटी के लिए राहत है यहां पर, बिना फुलाए आपकी 77 होने चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल में आपका चेस्ट का कोई नहीं लिया जाता है। रनिंग की बात करें तो ये रनिंग आपका रिटर्न के बाद होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा,
जो लोग रनिंग करते रोज सुबह आप लोग दौड़ते ही हैं, तो जाहिर सी बात है, तो जितने बच्चे कांस्टेबल के लिए इस बार तैयारी कर रहे थे कि कब आएगी सिपाही की भर्ती यूपी में, कब आएगी सिपाही की भर्ती, तो भैया आ गई है सिपाही की भर्ती। बस दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, समय एकदम नहीं रहेगा, तो अभी से लग जाइए, अपनी रनिंग भी करते रहिए रोज सुबह सुबह और पढ़ाई भी करते रहिए उसके साथ साथ भी। तो यहां पर आपको रनिंग जो है वो 4.8 किलोमीटर का, मतलब एक तरह से बोला जाए 25 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल ओबीसी के, ये ध्यान रखिएगा, बाकी के फीमेल के लिए 2.4 है और 14 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके बाद से अगर हम बात करें आपका, ये हाइट हो गया, अब सैलरी की बात करते हैं कि सर सैलरी कितनी होगी, सबसे बड़ी बात ये बताइए, बाकी तो सब कुछ ठीक है, जोश यहां सैलरी से आएगी। तो सैलरी भी आपकी कम नहीं है, इसका जॉब प्रोफाइल, इसके प्रमोशंस मैं आपको अलग वीडियो में बना दूंगा कि आप कांस्टेबल में अगर 18 साल की उम्र में कांस्टेबल बन जाते हो तो आप कहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है, ये मैं आपको प्रमोशन में बताऊंगा, अभी वीडियो लंबी होगी। सैलरी में बता दो तो ये आपको इन हैंड 33,000 सैलरी आपको मिलेगी, कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि डीए हुए महंगाई भत्ता आपका बढ़ गया है, तो इन हैंड आपको 33,000, मतलब यही 30 से 33,000 के अप्रोक्स में आपकी सैलरी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अच्छी खासी आपके पास सैलरी भी है, ऐसा नहीं है कि सैलरी कम है, ठीक। तो जो लोग एकदम तैयारी में लगना चाहते हैं, समय एकदम नहीं है, दिसंबर तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा जैसा कहा गया है, और जैसे एजेंसी फाइनल होती है तरातर सब चीजें बहुत तेजी से प्रोसेस में होगी, और इस समय एकदम सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। सेंट्रल में अगले साल चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को यहां पर मिल रहा है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान से सुन लें कि टीम परीक्षा प्लस आपके लिए एकदम स्पेशल कांस्टेबल बैच जो है लेकर आ रही है, कांस्टेबल बस, इसकी पूरी जानकारी आप परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हैं, ठीक है। परीक्षा प्लस ऐप, जैसा आप जानते हो कि परीक्षा प्लस हमेशा आपके हित में सोचती है, एकदम मिनिमम फीस, एकदम मिनिमम से मिनिमम जितना भी हो सकता है, हर बच्चा जो गांव का, गांव के हर एक बच्चा बच्चे के लिए सोच कर ये एकदम मिनिमम फीस रखा जाएगा कि उनके जेब को भी ख्याल रखते हुए कि वो भी उतना पेमेंट कर सकते हैं, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको वीडियो क्लास मिलेगी जो आप रिकॉर्डेड मोड में भी रख सकते हो, आपका बार बार डेटा नहीं जाएगा, ठीक है, एक बार डाउनलोड कर लिया आपके मोबाइल में हमेशा के लिए रहेगा। उसके बाद से आपको इसके साथ बुक्स मिलेंगे, ठीक है, आपको किताबें मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, फिर आपकी इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये सब कुछ आपको है, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आपको करना है तैयारी और कहां से चीजें पढ़नी है। तो ये मात्र एकदम मिनिमम शुल्क रहेगा आपका, उसी में आपको ये पूरा का पूरा चीजें जो है, वीडियो हो गया, उसमें आपको रणनीति भी बताई जाएगी कैसे आपको तैयारी करनी है, और आपके प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, सब कुछ क्लासेस रहेंगी, साथ ही साथ ये तो रहेगा, और जिनको फ्री में क्लासेस करनी होंगी ना, वो फ्री भी चलाया जाएगा, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस होंगी, वो फ्री में भी क्लासेस कर सकते हैं, और ये जो आपका पेड क्लास होगा जो डेडिकेटेड रहेगा, पूरे टीचर आपको कांस्टेबल बनाने के लिए अपनी ऊर्जा झोंक देंगे। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है आपको, कांस्टेबल से रिलेटेड कोई प्रश्न है आपको जो तंग कर रहा है कि सर इस ऐसी समस्या है, क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको मेडिकल से रिलेटेड कुछ इशू होता है, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको कुछ इशू है तो आप कमेंट जरूर करिएगा बच्चों कि सर मुझे पास ये प्रॉब्लम है, फ्लैट फूट है, चाहे मेरा हाथ की उंगली कटी हुई है, जो भी चीजें आपका पूरा का पूरा जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उसका समाधान किया जाएगा। मेडिकल से भी रिलेटेड मैं बता दूंगा, मेडिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, पूरा मैं प्रोसीजर ही बता दूंगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है आपका, ठीक है। तो जो भी समस्याएं होंगी आपके पास वो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।